Hello, my lovers out there. This is ARK representing ARK 9. Dear all, we are going to start very interesting session. जी हाँ, continue कर रहे हैं. नहीं, हम लोग Devanth Trusty नहीं पढ़ने वाले हैं. जी हाँ, NCRPS session हम continue कर रहे हैं and non-convertible debt securities. यहाँ से भी regulations LODR 2015. यहाँ हम बात कर रहे हैं. कुछ regulations मैंने already इसके part first में cover कर लिए थे. अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा, अभी भी doubt है, उसमें कोई doubt है तो of course ARK 9 का WhatsApp पे पूछेगा. अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो आप जरूर 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 देख लीजिएगा, पर क्योंकि पहले आपको उसमें क्लैरिटी आता है. आइए बात करते हैं फटाफट से. देखिए, हम यहाँ जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा, सेबी के अंदर, एलओडीआर के अंदर जब हम बात करें नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिन्यूएबल प्रेफरेंशियल्स. सो ऐसे याद रखिए इंस्ट्रूमेंट्स में हमने कुछ ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स को लेके. अब फर्दर मैं यहाँ से 56 रेगुलेशन 56 से 62 जा रहा हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी दे सकूँ. और याद रखिएगा, ध्यान सुनेगा, क्योंकि मेरा पर्पज यह है कि आपको रायने डटाना नहीं है, इसको ईजीएस्ट फॉर्म में आपके सामने रेडी करना है. और जैसे मैंने लास्ट सेशन भी कहा था, आपको मजा जब आएगा जब प्रैक्टिकली याद रखिएगा करेंगे, कम जब फाइलिंग करेंगे, इंटीमेशन के प्रोसेस अभी हम बात करने वाले हैं, ये सारे आप जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा. अदरवाइज होता क्या है ना, जब आप कोई टॉपिक से रीड कर रहे हो, जैसे अज्यूम करो कि आपको बोला जाए कि ना साइकिल चलाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, बाइक चलाने की बुक पढ़ा दी जाएगी, अब वैसे बाइक चलाएंगे इस बुक से पढ़ के सीख लीजिएगा, आपको मजा नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद नहीं जाकर चलाएंगे बाइक या कार, आप खुद जाकर ड्राइव नहीं करेंगे. सो यहाँ पर भी एक रियलिटी है, बट हाँ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स करने वाले हैं. एग्जाम की पर्सपेक्टिव से अगर कहूँ तो यहाँ तीन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बहुत प्रॉबेबल है चैप्टर से. ठीक है, सो ध्यान से पढ़िएगा. आइएगा स्टार्ट करते हैं फॉर द सेक्शन. रेगुलेशन नंबर यहाँ पे 56, डॉक्यूमेंट इंटीमेशन टू डिपेंडेंट ट्रस्टी. अब बड़ी सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, ध्यान रखना बस. देखो, याद कराना है, मेड्यूल खोल के रखिएगा साथ में ताकि साइड बाय साइड नोट करते रहें. क्या नोट करना है, शॉर्ट करते रहेंगे हम पॉइंट्स को. देखिए कहता है डॉक्यूमेंट्स एंड इंटीमेशन टू डिपेंडेंट ट्रस्टी. अब ऑफकोर्स आपने क्या किया हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशू की हुई है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशू की हुई है. और जहां सिक्योर की बात हुआ वहां डिपेंडेंट ट्रस्टीज का होना बेहद ही जरूरी है. तो क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, सबसे पहले कहता है एनुअल रिपोर्ट. क्या कहते हैं, अपने मॉड्यूल में लिखिएगा, ये बहुत झंझट और बहुत गंदा किया हुआ है, आप लोगों साथ में वो क्लियर कर दूं, जो कि नोट्स अरे नोट्स बुक में बनाओ ना ताकि आप प्रॉपर से रीड भी कर सको. तो आओ मॉड्यूल निकालो, रिको क्या भेजना होगा, एनुअल रिपोर्ट देखिएगा क्या है, और कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, साथ में क्या जाएगा, सर्टिफिकेट. कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट. ठीक है, कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट प्लस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर. अब ये सर ऐसे लिखेंगे आएंगे, हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिखा रहा हूं कि शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर सिर्फ बुद्धि में डालो, फिर उसकी यूटिलिटी समझो कि किस लिए पर्पस में यूज किया जा रहा है. कह रहा है क्या, आपको क्या भेजना है, आपकी एलएसएनडी को डिपेंडेंट ट्रस्टी को देना पड़ेगा क्या, एनुअल रिपोर्ट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट. इस सर्टिफिकेट किस चीज का सर्टिफिकेट है जो आप ऑडिटर से ले रहे हैं, इस बात का कि आपने जो फंड रेज किया है इस सिक्योरिटीज थ्रू उसकी यूटिलाइजेशन कैसी हुई, कितनी हुई है. देखो, अ कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट एट सेम टाइम इज इश्यूड अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द लिस्टेड एंटिटी ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द विच द फंड हैव बीन रेज्ड. तो हमें सर एग्जाम में पूरा पॉइंट लिखना है, हाँ जी, लेकिन आप याद रखेंगे तब ना. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ याद देखिएगा क्या देखेंगे, ऑडिटर रिपोर्ट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टू एंश्योर दैट यू नॉट क्या इंश्योर करेगा सर्टिफिकेट द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर विच द यू नॉट द मनी हैज बीन रेज. फर्दर सेकेंड डॉक्यूमेंट क्या होगा, ध्यान सुन तो जाइएगा. क्या डिबेंचर्स ऑफ डिबेंचर्स और प्रिवेंशियर्स इश्यूड फॉर फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. आपने या तो इसके थ्रू कह रही इसके किस लिए फंड रेज किया आपने फॉर द पर्पस ऑफ, या तो हो सकता है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए हो सकता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हो सकता है, बोलेगा किस लिए हो सकता है, वर्किंग कैपिटल के लिए हो सकता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हो सकता है, या मे भी हो सकता है क्यों सकता है कैपिटल रेजिंग किया आपने, है ना, कैपिटल रेज किया आपने. ठीक है, इनमें आप जो भी कर रहे हैं पर्पस देखिएगा, यहां पर इस केस में आप उसकी यूटिलाइजेशन बताइएगा, कैपिटल रेजिंग का पर्पस हो सकता है तो क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगेन, और सर्टिफिकेट अगेन नहीं होता है, इंश्योर करना होता है, कौन करता है सर्टिफिकेट, ऑडिटर, ऑडिटर इस बात को इंश्योर करता है. और कब देना होगा सर्टिफिकेट, ईच ईयर बिकॉज इट डिफाइंस व्हाट द यूटिलाइजेशन किस चीज का, यूटिलाइजेशन कि कितना पैसा यूटिलाइज हुआ है अभी तक. अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स में आओ, देखो सीधा
Debentures or preference shares issued for financing capital, general corporate purpose, or for or capital raising purpose. The copy of the altered certificate may be submitted at the end of the each financial year till the fund have been fully utilized or for purpose with the funds. जिसके लिए आपने यूज किया था. अब यहाँ पे आप देखिएगा, तो पहला डॉक्यूमेंट हमने देखा, दूसरा डॉक्यूमेंट में क्या है, आपको सर्टिफिकेट लेना है. आपको एक्चुअली बताना है, आपने जैसे मान लीजिएगा आपने लिया वर्किंग कैपिटल के लिए फंड रेज किया था, आपने एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशू की थी और सिर्फ थ्रू फंड रेज किया था, उसका पर्पस क्या था आपका, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, या ये नहीं उसका जॉन कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगा या कैपिटल रेजिंग थी. तो जो भी आपका पर्पस है आपने उसके लिए फंड रेज किया. अब इसके लिए ऑडिटर साहब क्या सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट क्या इंश्योर करेगा कि भाई फंड की यूटिलाइजेशन कितनी हुई, और कब तक इस सर्टिफिकेट को आपको डिमांड ट्रस्ट को देना पड़ेगा, जब तक इससे लिया पैसा 100% यूटिलाइज नहीं हो जाए जिस पर्पस के लिए आपने फंड लिया है. बात पकड़ में आ रहा है, क्या रहता है सर इससे करने का बेनिफिट क्या है, बेटा ट्रांसपेरेंसी देगा, ट्रांसपेरेंसी का अकाउंटेबिलिटी बनता है, और यही तो बिजनेस के नहीं भी आपके में क्लियर. आपका इन्वेस्टर्स आपको पैसा देगा क्यों, बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्यों पैसा देगा. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसको ये मत मान के पड़िएगा कि सर ये बुक से पढ़ना है, एग्जाम में आना है. आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ कमिटेड सेक्रेटरी यू नो व्हाट इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए. ऑलराइट, एंड अगर अभी जब ट्रेनिंग वगैरह कोई कर रहा होगा और किसी सही फर्म में जाके कर रहा होगा जहां पे आपको सिर्फ 24 घंटे अकाउंटिंग वर्क ना कराया जाता हो, सेक्रेटरी कंप्लायंस कॉर्पोरेट कंप्लायंस वर्क करवाया जाता हो, वहां उन बच्चों को बात समझ में आ रहा होगा. बाकी जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग काम कर रहे हैं किसी फर्म में जाके, वो उन लोगों को ये बात शायद कम समझ में आएगा. एनीवेज, गेट बैक टू द वर्क, ध्यान सुनते हैं, ठीक है. एनीवेज देखिए, फिर सेकंड कॉपी आगे देखते हैं फर्दर. कहता हूँ कॉपी ऑफ ऑल नोटिसेस रेजोल्यूशंस एंड सर्कुलर्स, कॉपी ऑफ ऑल नोटिस सर्कुलर्स एंड रेजोल्यूशंस, किन किन चीजों को. अगर आपने न्यू एनसीडी इशू किए हैं, अगर न्यू एनसीडी इशू करोगे तो ऑफकोर्स आपको मजे का बात देखो, न्यू एनसीडी इशू करोगे ऑफकोर्स शेयर होल्डर को आपने नोटिस भेजा होगा, प्लस जो आपके एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं एनसीडी के उनको भेजा होगा नोटिस. किसके लिए, अगर आपने मीटिंग वगैरह बुलाना तब भी. कहता है मीटिंग ऑफ द होल्डर ऑफ एनसीडी एट द सेम टाइम दे आर सेंड टू द होल्डर्स ऑफ एनसीडी एंड एडवर्टाइज इन द मीडिया इंक्लूडिंग द दोस पर्टेनिंग टू द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. सिंपल वर्ड याद रखिएगा, एकदम सिंपल वर्ड याद रखिएगा, कोई भी नोटिस सर्कुलर्स आपने इश्यू किए हैं किस लिए, अगर आप नया एनसीडी लेके आना चाहते हैं, न्यू लेना चाहते हैं क्या, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी रिलीज करना चाहते हैं, तो आपने किसको भेजा होगा, शेयर होल्डर्स को भेजा होगा नोटिस, आपने एग्जिस्टिंग जो आपके एनसीडी होल्डर्स हैं उनको भेजा होगा, ठीक है, वो और एडवर्टीजमेंट आपने पब्लिश किया होगा. सेम आपको याद रखिएगा, सेम टाइम पर आपको इनको डिपेंडेंट ट्रस्टी को भी बताना है, क्लियर एकदम. अब देखो यही इसे कंप्लायंस करते हैं, अगर ये एप्लीकेबल हुआ टिक मार करिएगा, चेक कीजिएगा हाँ एप्लीकेबल है, तो ये चेक कंप्लायंस इंश्योर करना है, नहीं हुआ तो छोड़ना है, इसको जबरदस्ती लेंगे, लेकिन एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ. इंटीमेशन रिगार्डिंग व्हाट, अगर आप रिवीजन रेटिंग की है ऑफकोर्स और आप जानते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट इशू क्या है, तो रेटिंग आपके लिए मैंडेटरी है. तो कहता है अगर आपने रेटिंग लिया हुआ है और ऑफकोर्स लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आए रिवीजन हुआ है, तो ऑफकोर्स उसको इंटीमेट कीजिएगा. डिफॉल्ट इन टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन, अब हो सकता है कि जो एनसीडी आपने इशू किए हुए हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट होने का है, ठीक है. यहाँ पे कह रहा है एनी डिफॉल्ट इन टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन, अच्छा ये क्या करेगा, एक्सपेक्टेड है उसको भी बताना पड़ता है, ठीक है. फिर कहता है फेलियर टू क्रेडिट चार्ज ऑन द एसेट्स एंड ऑल कोविनेंट्स ऑफ द इशू. अब चार एस्पेक्ट्स हैं इंटीमेशंस रिगार्डिंग व्हाट, इंटीमेशंस रिगार्डिंग व्हाट, चार इश्यूज हैं, रिवीजन रेटिंग, सुनिए बोलिए मेरे साथ में, रिवीजन इन रेटिंग, रिवीजन इन रेटिंग. फिर कह रहा है दूसरा क्या हो सकता है, डिफॉल्ट इन टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन, डिफॉल्ट इन टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन. थर्ड क्या हो सकता है, हो सकता है मतलब ऐसा हो जाए, फेलियर टू व्हाट, फेलियर टू क्रेडिट चार्ज ऑन द एसेट्स, फेलियर टू क्रेडिट चार्ज ऑन द एसेट्स, बोलिए Charge credit on the sets and 5th, कोई भी covenants जैसे कहता है all covenants of the issue, covenants क्या होता है, journal is a letter ना, एक तरह से कहता है main document का, एक ancillary document होता है, main document जैसे मान लीजिए हम ने बनाया deed, ठीक है, यहाँ पर trust deed बनी, अब trust deed के साथ में जो other documents जो ancillary documents हैं, ठीक है, जो specifically किसी particular clause को define कर रहे हैं, उसको लेके हो सकते होते हैं, या कह रहे हैं accelerated payment clause. एक्सेलेटेड पेमेंट क्लॉज क्या होता है, बेसिकली देखिए क्या होता है, कई बार कि बोरो डिफॉल्ट करता है रिपेमेंट के अंदर ना, तो ऐसे केसेस में उसको क्या जाता है कि शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम पीरियड के अंदर उसको फटाफट से उसको कंप्लीटली पेमेंट करना पड़ता है, रिपेमेंट करता है किसका, डेट का. तो कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिएगा जैसे पेमेंट करना था मंथली, पहले एग्जूम कर रहे हैं हम लोग है ना, वन मंथ मतलब ऑफकोर्स मंथली वन मंथ क्या, मंथली पेमेंट करना था, ठीक है, मंथली पेमेंट करना था, एंड अब लगा कि उसका डिफॉल्ट क्या है, तो यहाँ पर एक क्लॉज होता है, क्लॉज से क्या होता है, उस क्लॉज के अट्रैक्ट होते हैं, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी पेमेंट सारा करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेट पेमेंट क्लॉज. यूजली कब होता है ये अट्रैक्ट, जब बोरो के डिफॉल्ट करता है, ठीक है, तो ये क्लॉज प्रोवाइड करना पड़ता है. तो ये कह रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ऑल कॉम्पिनेंट ऑफ द इशू. अभी कह रहे हैं इंटीमेशन, चार इंटीमेशन हो सकती हैं,
पहली इंटीमेशन क्या हो सकती है, उसको देखिएगा रिविजन रेटिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, अगर सपोज डिफॉल्ट करता है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन के अंदर केसेस में टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है तब, एंड इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए सुनिए एक बात सुनिए, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ध्यान से तो बहुत ध्यान सुनिएगा, आप अगर टॉपिक को बोलेंगे ना साथ में तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बाद में आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मुझे ऐसे ही देख रहे हैं बैठे हुए मत देखिएगा, बेशरम होके बोलिएगा, ठीक है, आपका करियर का सवाल है, बोलेंगे तभी आपके मेमोराइज होंगे अच्छे से। ऑलराइट, एंड द फेलियर टू चार्ज, फेलियर टू क्रिएट चार्ज ऑन द सेट्स, ऑलराइट, क्योंकि सिक्योरिटी क्रिएट नहीं किया ना इसलिए, या ऑल कवरिंग ऑफ द इशू। चलिए अब देखिए यहां पर हमने पहले एनुअल रिपोर्ट कौन सा देखा, एनुअल रिपोर्ट और सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर, ठीक है। फिर यूटिलाइजेशन के लिए देखा, पर्पस इसके लिए इसके द्वारा चाहे वर्किंग कैपिटल के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, फंड रेजिंग की जा रही है, ठीक है। बस के फुल यूटिलाइजेशन तक आपको एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको सर्टिफिकेट देना होगा ऑडिटर से लेके किसको, डिपेंडेंट ट्रस्टी को। ऑलराइट, सर्कुलर्स अगर नोटिस है, मीटिंग से न्यू इश्यूज अगर एनसीडीआर एनसीडी से है तो उसकी भी आपको डिटेल देंगे। नाउ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ 100% ऑफ कवर्ड और एसेट्स कवर एज पर द टर्म ऑफ ऑफर और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम डिपेंडेंट ट्रस्टी, इंक्लूडिंग द कंप्लायंस विद ऑल द कोवेनेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलॉन्ग विद द हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब देखिएगा यहाँ पे क्या रखना है हमको, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ सर्टिफिकेट, ये किसके लिए कह रहा है, सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स कवर, ensure the 100% ensure maintenance of 100% assets cover, ठीक है। ये सिंपली आपको वर्ड याद रखना है। अब अगर देखा जाए इसमें की वर्ड क्या है, ये इंश्योर करना कि जो आपने यहाँ डिमांड जो सिक्योरिटी इश्यू किया डेट सिक्योरिटी वो 100% assets covered secured है, ऑल टाइम 100% मेंटेन करना पड़ता है, आप जानते होंगे बात। तो यहाँ पर इस बात को भी वो सर्टिफिकेट देगा डिपेंडेंट ट्रस्टी को, ऑलराइट। अब ये कैसे देना है, हाफ ईयरली बेसिस पे, क्लियर हो रहा है। नाउ आगे देखते हैं सबमिशन, अच्छा प्रोवाइड दैट सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट गारंटी। अब ये भी सिंपल से कहता है, अगर यही गारंटी किसने दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है बॉन्ड को इशू के बाद में, इशू हुआ है उसको गवर्नमेंट, यू नो व्हाट, बैक बाय द गवर्नमेंट गारंटी, बैक बाय द गवर्नमेंट गारंटी है, इन दैट केस आपको ये नहीं देना पड़ेगा हाफ ईयरली बेसिस पे सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस लिस्टेड एंटिटी इज ए बैंक और नॉन एमडीएसईज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई वेयर द बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय अ गवर्नमेंट गारंटी। अगेन उसने बोला क्या, यह दो सकता है यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इन बैंक से या एनबीएफसी अगर इशू कर रही है तब, या कोई भी गारंटी बैक बाय द गारंटी अगर होगा गवर्नमेंट तब भी आपको ये सर्टिफिकेट नहीं देना है। लिस्ट एंड शैल फॉरवर्ड टू द डिपेंडेंट ट्रस्टी इन्फॉर्मेशन सॉर्ट एंड प्रोवाइडेड एसेस टू रिलेवेंट बुक ऑफ अकाउंट्स। ऑफ कोर्स अब डिपेंडेंट ट्रस्टी आपने अगर पुराना याद करेंगे ना तो आपको याद आएगा हम लोग पढ़ते थे अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के अंदर भी था बुक ऑफ अकाउंट्स, वो डिमांड करेगा तो उसको डिटेल भी आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। या देखिएगा बुक ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट नहीं कराने की बात कर रहे हैं, अगर वो रिक्वायर्ड मांगेगा तो उसको आपको देना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड लिस्ट एंटिटी में सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द डिपेंडेंट ट्रस्टी सेंड द इन्फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फैक्स। ऑफ कोर्स जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बात कर रहे थे वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी वो सेंड कर सकता है, डिपेंड्स ऑन कि वो पहले कंसेंट ले, ठीक है। ऐसा नहीं बिना कंसेंट लिए भेज रहा है, वो कंसेंट भी लेना जरूरी है लिस्ट एंटिटी को डिपेंचर ट्रस्टी से। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, अपने साइड में बनाओ इनको, नोट करो। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं 57 सबमिशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब बोले क्या क्या चीजें हैं स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत सिंपल है, देखो यहां पर आओ, कीवर्ड्स को ध्यान रखना, सर्टिफिकेट विद इन 2 डेज ऑफ सबमिट ऑफ सर्टिफिकेट विद इन 2 डेज ऑफ द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आर बोथ बिकमिंग ड्यू दैट हैज मेड टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, या सर्टिफिकेट विद इन 2 डेज ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और बोथ बिकमिंग ड्यू दैट इट हैज मेड टाइमली पेड, इट हैज मतलब आपने पेमेंट कर दिया है, बिकमिंग ड्यू मतलब जो फोर्स, देखो समझो ना, अगर इन सिंपल वर्ड बोले ना, सर्टिफिकेट टू स्टॉक एक्सचेंज
to confirm that certificate within within two days to stock exchange to confirm that interest payment has made और redemption का था तो redeem कर दिया है जब समझ में आ रहा है now undertaking on annual basis stating that all the documents intimation required to be submitted to demand trustee of course according to trust deed आपने documents सारे submit कर दिए तो stock exchange में इस बात का intimate कीजिएगा और अदर उसमें of course जो भी इसे भी टेम कर रहा अब ये कोई समझने वाला बात है यहाँ 57 इन्होंने यहाँ लिखा हुआ सबमिशन टू स्टॉक एक्सचेंज और भी इंफॉर्मेशन जो कि स्टॉक एक्सचेंज को याद रखेगा सेबी अपने नोटिफिकेशन थ्रू भी बोल सकती है बट हमको याद रखना है यहाँ पर क्या जो हमने एक प्राइम डॉक्यूमेंट समझाया कौन सा कि विद इन टू डेज आपने जैसे डेट ड्यू हुआ इंटरेस्ट पेमेंट का आपने पेमेंट कर दिया और राइट उसके विद इन टू डेज के अंदर आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा स्टॉक एक्सचेंज को कि हाँ जी हम लोग पेमेंट कर दिया है नाउ फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू होल्डर्स याद रखिएगा अभी किसकी बात कर रहे हैं होल्डर्स को Of non-converted debt securities and non-converted preference shares. अभी holders को जाने वाला क्या? Soft copy of full annual reports of to the all holders and CPS have registered the and their email ID. और इट्स सॉफ्ट कॉपी तो मिला है ऐसे तो भेजेंगे कहाँ पर ईमेल आईडी भेजेंगे व्हाट्सएप थोड़ा कर देंगे व्हाट्सएप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ एक्सप्रेसली लिखा हुआ है जरा इंटरप्रिटेशन क्लियरली समझना ठीक है जो महाज्ञानी लोग आपको यूट्यूब पर क्लासेस देते हैं कुछ सबको नहीं कहता बहुत अच्छे भी लोग हैं बट कुछ ऐसे हैं जो आपको ज्ञान देते हैं तो यहाँ देखिएगा इंटरप्रिटेशन थोड़ा ध्यान समझेगा जब एक्सप्रेसली मेंशन है ना एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग्स एक्सक्लूजन ऑफ अदर तो यहाँ याद रखिएगा क्लियरली बोल रहा है क्या ईमेल के थ्रू ईमेल पे व्हाट्सएप नहीं कई जो नॉनसेंस क्वेश्चन कई लोग आप लोगों को नहीं कह रहे नॉनसेंस क्वेश्चन जो तुमको सिखा देते हैं उनसे बच के रहिएगा यू नो एकेडमिक और प्रोफेशनल स्टडीज में डिफरेंसेस हैं एकेडमिक लेवल पर टीचर बन के बोलना और एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हुए चीजों को डिस्क्राइब करना दोनों में डिफरेंस है आई नो दैट वेरी वेल कि प्रैक्टिस के साथ में कैसे स्टडीज कराई जाती हैं या टीचिंग कराई जाती है ऑलराइट नाउ कैट बी द वर्क ना सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करना है अब ये देखो होल्डर को भेजने का होल्डर को भेजने के लिए ऑफकोर्स उसको ऑफकोर्स लेकिन लॉजिक है आप अगर मान लीजिए एग्जाम में बैठे हैं और आपको जंक्शन में याद नहीं आ रहा बोले क्या होना चाहिए लॉजिकल सोच रहा हूँ बोला होल्डर को क्या चाहिए बोला मेरे को एनुअल रिपोर्ट तो दो मुझे तो बताना चाहिए बाकी फंड तो मैं कंपनी को प्रोवाइड किया हुआ है तो एनुअल रिपोर्ट ठीक है अब क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसे सॉफ्ट कॉपी में भेजेगा सॉफ्ट कॉपी में भेजेगा तो कह रहे हैं ईमेल के थ्रू ठीक है एक बजे की बात देखो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना कॉर्पोरेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए अब पता लगा अगर आप पेपर्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो और अल्टरनेट ढूंढ नहीं रहे हो ईमेल क्या है एक अल्टरनेटिव तो है और वो ऑथेंटिकेटेड है तो ऑथेंटिकेटेड है अल्टरनेट है कि कहीं ना कहीं आपके देखो ना पेपर वर्क कम पेपर्स ज़्यादा यूज नहीं होंगे कम यूज होंगे और इससे कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट कम हार्म करेंगे तो ये इनिशिएटिव्स लेते हैं आप समझ रहे हैं ना इनिशिएटिव्स ले जाते हैं इस तरीके के तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब कहती है ना कि ईमेल के थ्रू हम सफिशिएंट मानेंगे क्लियर है फिर कहता है हार्ड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट कंटेन्स साइलेंट फीचर्स अब साइलेंट फीचर्स क्यों लिमिटेड रहेगा बट इट डजंट मीन दैट कि अगर वो फुल डिस्क्लोजर मांगे आई मीन कंप्लीट डिटेल मांगना चाहेगा तो दी जाएगी वो भी दे सकते हैं ठीक है तो सॉफ्ट कॉपी में आप कंप्लीट डिटेल दे देंगे फुल एनुअल अकाउंट्स और अगर हार्ड कॉपी में देखेंगे तो क्या होगा साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑलराइट नाउ हार्ड कॉपी ऑफ फुल एनुअल अकाउंट्स टू द दोस होल्डर्स ऑफ एनसीडीज एंड एनसीआरपीएस हु रिक्वेस्ट फॉर द सेम आपको याद होगा सेम हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लिस्टेड एंटिटी जब अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल सेंड करती है तो दो तरह से कर सकती है एक तो क्या करती है एवरेज फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करती है और फिर अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है तो उसको हार्ड कॉपीज में भी डिटेल प्रोवाइड करती है यहाँ पर भी हम देखेंगे सॉफ्ट कॉपी में भेजा जाएगा ठीक है इसके अलावा एक साइलेंट फीचर्स मतलब सारी डॉक्यूमेंट साइलेंट फीचर्स ओके की वो की पॉइंट्स को यहाँ कंसीडर करते होगा ठीक है इसके अलावा यहाँ पे क्या कह रहे हैं हार्ड कॉपी भी हम भेजेंगे अगर हार्ड कॉपी अगर रिक्वेस्ट करता होल्डर तो ठीक है हाफ ईयरली कम्युनिकेशन टू होल्डर एमसीडी एनसीआरपीएस हाफ ईयरली कम्युनिकेशन हाफ ईयरली कम्युनिकेशन मतलब जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहेंगे उसके डिटेल बताएंगे टू सेंड अ नोटिस ऑफ ऑल मीटिंग ऑफ होल्डर ऑफ एनसीडीज एनसीआरपीएस स्पेशली stating that the provision for appointment of proxy is of course same वही 105 जो हम apply करते हैं members के cases में companies के अंदर वही यहाँ पर भी apply होगा and they have a right to attend a meeting you know what through, by proxy proxy के through वो meeting भी attend कर सकते हैं same दो aspects वही cover करते हैं ठीक है now regulation 59 structure of NCD and NCRPS याद रखिएगा structure word use हो रहा है इनको ना देखो रटना मत 90 जैसे हमने ऊपर देखा आपने देखा 56 के अंदर हम किसको intimation दे रहे थे यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी को इसको ऐसे हाईलाइट करते चलो ताकि तुमको भूलोगे नहीं फिर हम देखते हैं अगर 57 में क्या था सबमिशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस की बात थी फिर यहाँ पर किसके लिए क्या था होल्डर्स
होल्डर्स के ऊपर फोकस किया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब जहां हम बात कर रहे हैं क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एनसीडी, अब स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आस्पेक्ट सोच के देखो, हाँ कूपन कितना है, इंटरेस्ट कितना है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड रिडेम्पशन क्या है, रिविजन क्या है, ये सारी एस्पेक्ट आएंगे। देखो स्ट्रक्चर ऑफ डेट डिबेंचर्स, ऑफ डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ कूपन और कन्वर्जन रिडेम्पशन और अदरवाइज, अगर हम बात करेंगे डिबेंचर्स में क्या क्या हो सकता है, कूपन, कूपन मतलब इंटरेस्ट या कन्वर्जन रिडेम्पशन अदरवाइज, स्ट्रक्चरिंग तो हो रही है ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एनसीआरपीएस डिविडेंड या डिविडेंड या कन्वर्जन रिडेम्पशन अदरवाइज, सर इतने लंबे लंबे पॉइंट्स कुछ भी नहीं है जो बाद में फिर बोल दूं, एनसीड दोनों में ही क्या बात कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट को अलग करते हैं, देखें तो यहां पर इंटरेस्ट मतलब कूपन की बात कर रहा होगा, यहां डिविडेंड की बात कर रहा है, मैंने कल वाला क्लास में भी आपको अलग से बोले हैं बात, बाकी दोनों में कॉमन होगा रिडेम्पशन कन्वर्जन, ठीक है रिडेम्पशन या कन्वर्जन। स्ट्रक्चरिंग तो है बेटा, अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शैल बी मेड ओनली आफ्टर, अब कहता है सुनिए अगर आप ऐसा करते हैं क्या इनमें चेंजेस अगर करते हैं किसी भी तरीके का तो आपको स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन कब, पहले बोर्ड से कंफर्म होना जरूरी है, कहता है अप्रूवल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिबेंचर्स इन केस ऑफ एनसीडीज एंड आफ्टर द कंपाइलिंग द प्रोविजन कमिटी एक्ट 2013 इंक्लूडिंग द अप्रूवल द कंसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड मेजोरिटी ऑफ द होल्डर ऑफ दैट क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के मान लीजिएगा डिविडेंड में या रिडेम्पशन या कन्वर्जन में कोई भी चेंज करते हैं या स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, in that case you have to obtain the approval of board of directors, all right, and debentures in case of a non convertible debt securities, or suppose in case of a non convertible redeemable preferential, then you are required to take the consent of the majority. Majority kaun sa class ho gaya yahan par, preference shareholders, all right, to unka consent ke baad hi aap kya karenge, stock exchange ka approval lenge. ये पॉइंट समझ में आया, तो हम लोग 59 में देखा स्ट्रक्चर, क्लियर है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अभी आई होप ये कितना क्लियर और छोटा सा पॉइंट बन रहा है हमारा इसमें, अगर इनमें चेंज करना है एनसीडी के अंदर बीआर प्लस डिबेंचर ट्रस्टी अप्रूवल, और यहां पर अगर देखा जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अप्रूवल क्या हो रहा है दोनों के केसेस में, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल, याद हुआ 59 स्ट्रक्चरिंग, ऑलराइट नाउ रिकॉर्डेड, अब हम लोग जानते हैं रिकॉर्डेड मतलब एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज पहले आप इंटीमेट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आप डिटरमाइन कर सके इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड कैलकुलेट कर सके, ठीक है, टू फिक्स द रिकॉर्ड डेट फॉर पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन और रिपेमेंट अमाउंट और फॉर अदर पर्पसेस, अच्छे जानते हो यार, ठीक है। नाउ कितना दिन का नोटिस देते हैं हम टू गिव द एडवांस नोटिस, एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ इंटीमेशन एंड रिकॉर्ड डेट, जिस दिन आप रिकॉर्ड डेट रख रहे हैं कि रिकॉर्डेड होगा और जिस दिन इंटीमेट करें उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे, और उसके एटलीस्ट 7 डेज वर्किंग डेज पहले आप इंटीमेट करेंगे, क्यों करते हैं कैलकुलेट, टू कैलकुलेट व्हाट इंटरेस्ट और डिविडेंड, रिकॉग्नाइज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंसर्न स्टॉक रिकॉर्ड डेट एंड मेनी डेज एज अ स्टॉक, ऑफकोर्स उन सभी को जहां पर आपके लिस्टेड हैं, एज मेनी डेज एज स्टॉक एक्सचेंज मे एग्री और रिक्वायर स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ द रिकॉर्ड डेट। नाउ फर्दर रेगुलेशन 61 कहता है टर्म्स ऑफ एनसीडी एंड एनसीआरपीएस, टर्म्स बेसिकली यानी टर्म्स का मेन फोकस रहेगा टाइम के ऊपर पेमेंट्स को, ठीक है, एंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, बोला पहली बात यहाँ पे आप देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने साइड में, क्या कह रहा है टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड, अब इसको तो लॉजिक है ना, इंटरेस्ट कहां दे रहे होंगे डेट सिक्योरिटीज में, ठीक है, फिर आगे देखो नॉट टू डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूट एनी डिविडेंड वेर इट हैज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट सिक्योरिटीज और रिडेम्पशन डे ऑफ और इन केस ऑफ सिक्योरिटी, अब कह रहा है क्या ना ही आप डिक्लेयर करेंगे ना ही आप क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड, ये बहुत लॉजिक सी बात है वैसे ही याद की जाए तो, ठीक है, आप डेट सिक्योरिटीज में डिफॉल्ट किया हुआ है, आप रिडीम नहीं किया, आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया हुआ है, और आप उधर क्या कर रहे हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं वो अलाउड नहीं है, लॉजिक है तो वैसे मतलब आई होप क्लियर होगा, पहले किसके लिए आपकी कंपनी की लायबिलिटी के अंदर बनती है पहले ना डिबेंचर डिबेंचर की तरफ या डेट डे, ठीक है, फिर कहता है and this requirement shall not be applicable in case of unsecured debt securities issued by a regulated finance
secure entities eligible for meeting capital requirements as specified by the respective regulators. अगर कौन कर रहा है, देखो अगर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेट करने वाली, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी है और जो रेगुलेट होती है बाय द सेबी, ठीक है, या ऐसी बैंकिंग कंपनी है, ऑफकोर्स बैंकिंग कंपनी कैसे रेगुलेट होगी, बाय द आरबीआई. वो अगर अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, सिर्फ कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, याद है वर्क जहाँ बात हो रहा है, मीटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑल राइट. जैसे हम बोलते हैं ना, कंपनी को बेसिकली जैसे बैंकिंग केसेस में होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन करने का मतलब आप जानते होंगे, CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड सिक्योरिटी, वो सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, इनको बैलेंस करने के लिए सिर्फ वो यूज कर रहा है अनसिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट रेज करना चाह रहा है. तब याद रखिएगा ये रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करना है. कौन सा, जब टर्म्स की बात कर रहे हैं यहां पर, सिक्योर सेंस में, ना नॉट टू फॉरफिट अनक्लेम्ड इंटरेस्ट. ऑफकोर्स अब आप समझेगा, कोई इंटरेस्ट था वो क्लेम नहीं किया गया है, या डिविडेंड क्लेम नहीं किया गया, तो आप क्या नहीं कर सकते, उसे फॉरफिट नहीं कर सकते, कहां जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, याद रखिएगा सेक्शन 125. अनलेस अ टर्म इशू ऑफ अदरवाइज, लिसेंटी शैल नॉट सेलेक्ट एनी लिसन एंटिटी लिस्टेड सिक्योरिटीज फॉर द रिडेम्पशन अदरवाइज देन ऑन प्रोरेटा बेसिस ऑफ बाय लॉट and comply with the requirements under section 40. The transfer security including the procedural requirement was specified in schedule 7th. देखिएगा दो बातें समझेगा फटाफट से, कहता है unless the terms of the issue provide otherwise, listed entity shall not select any of its listed security for the redemption. मतलब ऐसा नहीं है, आप देखो लॉजिकल समझो कि listed entity assume करते हैं, एक बार मान लीजिएगा, एक बार assume करके देखते हैं, एज्यूम करते हैं, देखिएगा लिस्टेड एंटिटी ने एक ए कैटेगरी का और एक बी, ए एंड बी, ठीक है, डेब्स इशू के, डिबेंचर इशू के होते हैं, ठीक है, डेट के इशू के होते हैं. अब समझो जो फर्स्ट किया हुआ था वो था 8.7% पर और दूसरा जो था वो 9.2% पर, ठीक है, 8.7% पर, 7.2% पर, ठीक है. अब एज्यूम कर लेते हैं इसका टेन्योर यहां 10 ईयर का था और इसका टेन्योर 7 ईयर का, ठीक है. अब ध्यान समझेगा, लिस्टेड एंटिटी को लगा कि बोले काम करते हैं कि ये ना 9.2% वाला है, इसको पहले क्या करते हैं, पहले से हम क्या कर रहे थे, फटाफट से इसको रिडीम कर देते हैं, मतलब बिफोर द टाइम रिडीम कर देते हैं, रिडम्पशन इसका बिफोर द मैच्योरिटी, 7 ईयर से पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, रिडीम करना चाह रहे हैं. बोला क्या मतलब, बोला क्यों, क्योंकि बोले 9.2% को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. और अच्छा समझो, जबकि दोनों के डेट में ना इशू में डिफरेंसेस थे, समझना, जैसे ये 10 ईयर के लिए कहते हैं, इसका टेन्योर ऑलमोस्ट 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है, इसका 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है और इसका अभी 7 ईयर का जस्ट स्टार्ट हुआ है. अज्यूम कर लेते हैं अभी इसमें एक साल ही निकला है, एक साल ही पास हुआ है, इसमें 6 ईयर अभी भी बाकी है, कंप्लीटेड 1 ईयर किया है, 6 ईयर बाकी है. अब यहां पर क्या कर रहा है, वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग चूज करके पहला जो हाईएस्ट है उसको करना चाह रहा है. बोला ऐसा नहीं है, अनलेस अदरवाइज का प्रोवाइड मतलब होता है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफिकली अगर लिखा है कि लिस्टेड एंटिटी रिकॉल कर सकती है, याद होगा मेरे बच्चों को, रिकॉल कर सकती है बिफोर द मैच्योरिटी, तो वो अलाउड है. बट अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर नहीं है, तो इनको फिर प्रायोरिटी बेसिस पे ही करेगी, ऐसे नहीं करेगी जिसमें उसको लग रहा है कि हाँ जी पहले हम कर दें बिना बताए. देखो यहाँ पे समझना, अनलेस टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइड, अगर ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा रिकॉल का ऑप्शन नहीं था, अगर रिकॉल का ऑप्शन है तो कोई इशू नहीं है, वो कर सकती है, लेकिन रिकॉल का ऑप्शन नहीं लिखा है तो फिर प्रायोरिटी बेसिस पे ही करेगी. क्लियर हो रहा है, बाय और लॉट. नाउ वेबसाइट देखते हैं, आइएगा रेगुलेशन 62 के अंदर वेबसाइट. To maintain the functional website containing the following information on about the listed entity, details of the business. अब क्या कहना है, देखो वेबसाइट पे क्या क्या देना होगा, डिटेल ऑफ द बिजनेस. अभी हम वेदांता का बात करते हैं, वेदांता के केस में मैंने आप जाके ऑब्जर्व कीजिएगा, वेदांता की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी हम देखते हैं NCERT की बात करते हैं, NC 7.5% उसने NCERT ऑफकोर्स इशू किया, यहाँ डिविडेंड का बात कर रहे हैं उस पर. तो हमें थोड़ा सा बात को क्लैरिटी से समझेंगे, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि वेदांता अपना क्या करेगा वेबसाइट पे, अपना बिजनेस का डिटेल देगा. बिजनेस डिटेल का मतलब यहाँ पे जो भी वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल कोई और कंपनी होती तो होटल का, अगर बिजनेस होटल की डिटेल्स देगी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी की बिजनेस का डिटेल देगी. सो डिटेल्स ऑफ दिस बिजनेस,
फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग वॉट एनुअल रिपोर्ट बैलेंस शीट पीएनएल या फिर अलग जैसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स किसके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मतलब ये आ सकता है क्वेश्चन रखिएगा 62 रेगुलेशन 62 आ सकता है मैं फिर बोल रहा हूँ आपको आ सकता है प्रोबेबल है पूछा भी जा रहा है आजकल तो जनरली क्या डिटेल देंगे बिजनेस के डिटेल हो गया ठीक है इसके अलावा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स बैलेंस शीट से पीएनएल है ठीक है जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट्स हैं ऑडिटर रिपोर्ट्स हैं इनको अपलोड भी किया जाता है किया जाता है क्या मतलब मैंडेटरी होता है किया जाता है मैंडेटरी होता है ठीक है या डेजिग्नेटेड पर्सन जो कि किस लिए कि ताकि आप यू नो असिस्ट करेंगे किस में इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस के अंदर जैसे यूजली किसे देता है कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी के लिए ईमेल लेटर्स और ग्रीवेंस रिट्रेसल्स या नेम ऑफ द डिपेंडेंट ट्रस्टी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नोटिस कॉल लेटर सर्कुलर प्रोसीडिंग एनसीआरपीएस ऑल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग कंप्लायंस रिपोर्ट्स ऑलराइट देन इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है डिफॉल्ट बाय द इशूअर अगर अगर डिफॉल्ट किया हुआ तो उसका डिटेल दीजिएगा फेलियर टू क्रिएट चार्ज ऑन द साइट्स रिवीजन इन रेटिंग्स एंड टू पास केस प्रेस रिलीज अगर आपको इवेंट कोई भी ऐसा हुआ है इनमें से मान लीजिए डिफॉल्ट कर गया है तो प्रेस रिलीज होगा वो भी बताइएगा एंड इन शॉर्ट दैट द कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट आर करेक्ट एंड अपडेटेड अब मैं आपको बता दूं अगर ध्यान से समझें रेगुलेशन मैं 62 को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए बन सकता है ठीक है जिसमें क्या देना है फाइनेंशियल डिटेल्स आएंगी बिजनेस डिटेल्स प्लस फाइनेंशियल डिटेल्स अच्छा बिजनेस डिटेल के अंदर कहाँ का बिजनेस कर रही है एक्सपांशन क्या है न्यू फैक्ट्रीज कहाँ लगाई हुई है कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो सारी एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं ठीक है और इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरा फाइनेंशियल डिटेल्स आपको देनी होंगी ठीक है डेजिग्नेटेड पर्सन आप बताइएगा जो कि रजिस्टर करेगा ग्रीवेंसेस को उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दीजिएगा ईमेल एड्रेस बताइएगा ग्रीवेंस रजिस्टर्स के लिए कहाँ होगा ऑलराइट डिपेंडेंट ट्रस्टी का डिटेल दीजिएगा कोई कॉल नोटिस वगैरह जितने भी सर्कुलर्स अपने इशू किए उसको अपडेट कीजिएगा वहाँ पर वेबसाइट पर इसके अलावा अगर आपने डिफॉल्ट किया हुआ पेमेंट्स में उसका डिटेल दीजिएगा प्रेस रिलीज है वो दीजिएगा ये सारी एस्पेक्ट्स हम लोग कहाँ कवर करेंगे कंपनी का वेबसाइट पर क्लियर अब देखो यहाँ आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा के रेटिंग एजेंसीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेगुलेशन 62 इज इंपॉर्टेंट ठीक है आइए देखिएगा आइएगा अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर है ना देखो ध्यान समझना अगर सेबी ने ये कहा भाई कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर तुम्हारे साथ में इशूअर कॉपरेट नहीं करता है और ऐसा करते हुए उसे मोर देन 3 मंथ्स हो जाता है उसकी सिक्योरिटी मतलब आपने जो रेट की हुई है उस पर लिख दीजिएगा क्या डाउनग्रेड एंड नॉन कॉपरेशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन बाय द इशूअर अब अपने आप ही इज्जत पिट जाएगा मार्केट में अगर मारा है तो कॉर्पोरेट्स कॉपरेट करेंगे कॉर्पोरेट्स कॉपरेट करेंगे देखो इट मूव द फर्दर स्ट्रेंथ द क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस मार्केट रेगुलर सेबी डायरेक्टेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू डाउनग्रेड हाईलाइट करेंगे हाईलाइट आप लोग देखिएगा इसको रीड कीजिएगा अच्छे से एक बार टू डाउनग्रेड एन इंस्ट्रूमेंट टू नॉन इन्वेस्टमेंट देखो यहां पर क्या लिखा है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड With the issuer not cooperating status, मतलब ये लिख दिया जाएगा अगर वो cooperate नहीं करता issuer, क्या non-investment grade with issuer not cooperating, आप क्या ऐसे securities पे पैसा लगाएंगे आप? Of course not. If all the outstanding ratings of the issuer remains non-cooperative for more than 6 months. अगर क्या रहा अगर more than 6 months रहा तो यहाँ पे status को शानदार तरीके से maintain किया जाएगा ठीक है Now, if non-cooperation by the issuer, कहता है जी अगर ऐसा हुआ उसके बाद भी वो बेशरम निकला 6 महीने से ज्यादा भी हो गया 6 महीने से ज्यादा हो रहा है एक तो कह रहे हैं मोर देन 6 मंथ्स एंड देन आफ्टर फर्दर मोर देन 6 मंथ्स इफ नॉन कॉपरेशन बाय द इशूअर कंटिन्यूज टू फॉर द फर्दर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अ ग्राउंड ग्रेड टू अ नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड नो क्रेडिट एजेंसी शुड असाइन अ न्यू रेटिंग टू सच इशूअर आप क्या कह रहा है फर्दर 6 मंथ्स मोर देन 6 मंथ्स हो गया देन फर्दर कंटिन्यू रहता है मोर देन 6 मंथ्स उसके बाद कंटिन्यू 6 मंथ्स के बाद भी कंटिन्यू वो कॉपरेट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा उसको न्यू रेटिंग नहीं दी जाएगी जब तक क्या नहीं गया अंटिल कंपनी रिज्यूम्स अ कॉपरेशन और रेटिंग इज विदड्रॉन जब तक कंपनी या तो नहीं कह रहे कॉपरेट ना करे या फिर विदड्रॉन ना कर ली जाए विदड्रॉन कौन करेगा क्रेडिट एजेंसी विदड्रॉ करेगी बट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी विदड्रॉ कैसे करेगी डिस्कस करते हैं देखो ना आगे देखते हैं देखो सेबी Also relax the norm for CSR to withdraw from an issue which has multiple ratings. The rating agency is allowed to withdraw if it has rated an instrument for 3 years continuously or 50% of the tenure of the instrument whichever is longer as said. So SEBI कहता है कि ठीक है जिसे जहाँ पर अगर कहीं देखा जाएगा जिसने 3 साल से ज़्यादा
उसको रेटिंग करते हुए हो गया या 50% तक उसका जो टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, जो भी लॉन्ग पीरियड होगा, अगर वो कंप्लीट कर लिया है तो सीआरआई खुद स्टेट एजेंसी भी विड्रॉ कर सकती है रेटिंग अपनी। देखिए विड्रॉ करना यहाँ पे अलाउड है क्योंकि, लेकिन एक डिफिकल्टी क्या हो जाती है कॉर्पोरेट के लिए कि अगर रेटिंग नहीं होता है ना विड्रॉ, लेकिन विड्रॉ भी कब, जब 50% से ज्यादा टेन्योर कंप्लीट हो गया हो या फिर 3 साल से ज्यादा का टाइम कंप्लीटली हो चुका हो रेटिंग करते हुए और वो उसके बाद भी नॉन कॉपरेट कर रहा हो यू नॉट इश्योर, इन दैट केस फिर विड्रॉ कर लेती है। अब इसका नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेबी रिलैक्स हो जाएगा बोले ठीक है बाहर में जाओ, नहीं सेबी ऑब्जर्व करेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स का ना परस्पेक्टिव है ना बड़ा खराब हो जाता है। इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि ना ठीक है ये ग्रेड नहीं है, इसको नॉन ग्रेड की कैटेगरी में है, इट मीन्स उनकी इन्वेस्टमेंट यू नो वट दे वॉन्ट टू विड्रॉ, खुद विड्रॉ करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को और फर्दर वो कभी भी अगर वो कंपनी वापस आएगा फंडरेज करेगा इस मैथड के थ्रू तो फिर वो इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिकली होता है ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ अकॉर्डिंगली सीआरए मस्ट हैव रिसीव अ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम 75%। अब ये करना है मतलब अगर विड्रॉ करने जा रहे हैं ना तो ऐसा नहीं है कि विड्रॉ आप अपनी मर्जी से कर लेंगे, आप समझिएगा विड्रॉ करने के लिए 75% जो कि एग्जिस्टिंग यहाँ पर सिक्योरिटी होल्डर्स होंगे ना उनका कंसर्न लेना पड़ेगा। 75% of bond holders of the outstanding debts for withdrawal of rating. CRA must also have received an undertaking from the issuer that another rating is available on the debt instrument and the SEBI side. और इस बात को भी इंश्योर करना पड़ेगा। अब ये विड्रॉल ऐसे नहीं होगा, विड्रॉल विड्रॉल के लिए याद रखिएगा मल्टीपल रेटिंग्स अगर हैं, मल्टीपल रेटिंग्स अगर मिली हुई हैं, जैसे एज्यूम कर लेते हैं क्रिस्टल ने दी हुई है और सियारा ने दी हुई है मान लीजिएगा, या सिकरा ने दी हुई है मान लीजिएगा, दो रेटिंग एजेंसीज हैं अलग अलग, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ए को रेटिंग दिया हुआ है। अब यहाँ मान लीजिएगा सिक्रा जो है वो क्या करती है, वो विड्रॉ करना चाहती है, वो विड्रॉ कर रही है, लेकिन विड्रॉ करने के लिए पहले क्या देखेंगे मोर देन 3 इयर्स, मतलब मोर देन 3 इयर्स के बाद यहाँ पर कंटिन्यू रहा हो ठीक है, मोर देन 3 इयर्स से उसको रेटिंग कर रहा हूँ, मोर देन 3 इयर्स से कंटिन्यू कर रहा हूँ, या सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी ए का 50% टेन्योर कंप्लीट हो गया, 50% टेन्योर कंप्लीट हो गया हो, विच एवर इज लॉन्गर पीरियड होगा। अब ये विड्रॉ करना चाहती है, मान लीजिए दो रेटिंग एजेंसी है ना उसमें से एक क्या कर रही है विड्रॉ करना चाहती है, अगर विड्रॉ करती है तो क्या करेगा 75% जो कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर उनका कंसेंट लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर ईश्वर भी इस बात को इंश्योर करेगा, ईश्वर क्या इंश्योर करेगा कि भाई हमने ना दूसरा रेटिंग ले रखा है उसके लिए, इस इंस्ट्रूमेंट ए के लिए दूसरा रेटिंग ले रखा है, तभी आप विड्रॉ करेगी कौन एजेंसी। ऑलराइट नाउ फर्दर फर्दर एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल सीआरए शुड असाइन अ रेटिंग टू this instrument and issue a press release in the prescribed format mentioning the reason for withdrawal of rating. Of course, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, बताएंगे कि रेटिंग विड्रॉ करने का क्या, हाँ जी किस जो भी रेटिंग एजेंसी उसने विड्रॉ कर लिया, प्रेस रिलीज करना मैंडेटरी है। इफ कंपनी स्टॉप देखिएगा कॉपरेटिंग विद सीआरए एंड डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन द सीआरए मस्ट कंटिन्यू टू पब्लिश अ रेटिंग कंपनीड विद अ स्टेटमेंट इशूअर डिड नॉट कॉपरेट बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। और अगर उसके बाद भी नहीं करता है, यहाँ देखिएगा यहाँ पे अगर उसके बाद भी 6 मंथ हो गए उसके बाद भी नहीं करता है तो फिर वो यू नो व्हाट प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट वर्ड्स में लिखेगा बड़ा बड़ा क्या है जी ये बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही है ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखना है जो मैंने आपको कहा यहाँ पर, ये आई होप डायग्राम आपको क्लियर होगा ठीक है, क्वेरीज देता है तो फिर भी आप पूछेगा ठीक है। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और फिर बन सकता है एक बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी फटाफट समझते हैं कहाँ कहाँ रेगुलेशन में, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। रेगुलेशन 6 में मेरे बच्चे जानते हैं कि उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं कंप्लायंस ऑफिसर, तो रेगुलेशन 6 के अंदर क्या कहते हैं अपॉइंट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर ठीक है। एक चार्ट कंप्लायंस आपको फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं अभी आपको कह रहा हूँ थोड़ा रेगुलेशन में फोकस कीजिएगा रेगुलेशन 6 के अंदर। रेगुलेशन 7 सबसेक्शन 3 कहता है लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट, अब कौन कहेगा ड्यूली साइंड बाय द बोथ कंप्लायंस ऑफिसर एंड द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट, कब करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सर्टिफाइंग व्हाट ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रांसफर मेंटेन इन हाउस और स्टार्ट टू इंश्योर। मतलब रेगुलेशन 7 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, हम सब सुना रेगुलेशन 7 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेके आइएगा किस बात के लिए, क्या इंश्योर करने के लिए जो शेयर ट्रांसफर्स हो रहे हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक है या फिजिकल मोड में है वो एज पर द रेगुलेशंस हैं ठीक है। अब इस सर्टिफिकेट किससे लेके आएंगे आप, कंप्लायंस ऑफिसर से जो कि सर्टिफाइड करेगा, प्लस शेयर ट्रांसफर रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा शेयर ट्रांसफर एजेंट का। रेगुलेशन 6 के अंदर रिकॉग्निशन देखते हैं हम, फिर वहीं देखते हैं रिकॉग्निशन की रेगुलेशन 7 के अंदर, फिर देखते हैं रेगुलेशन 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर। यू नो व्हाट ही कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, अगर हम ध्यान से देखें
जब हम बात कर रहे थे टॉप लेवल मैनेजमेंट ना, हम बोलते हैं क्या कोर मैनेजमेंट या बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट. देखिएगा, इट मींस ऑफिसर पर्सन इज लिस्टेड इन द हुज आर द मेंबर ऑफ इट्स कोर मैनेजमेंट टीम. कोर मैनेजमेंट टीम, अब कोर मैनेजमेंट टीम मतलब एक्सक्लूडिंग लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. फिर कहता है दिस कंप्राइजेस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट वन लेवल बिलो द सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ऑल राइट, इंक्लूडिंग सीईओ, मैनेजर इन केस ऑफ अ पार्ट दे आर नॉट पार्ट ऑफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कब कह रहे हैं, देखिए वन लेवल बिलो द बोर्ड, वन लेवल बिलो का मतलब यहां पर किससे कह रहा है, सीईओ, एमडीओ, डब्ल्यूडीडी, ठीक है. अब इनके अलावा जब बात कर रहे हैं तो हम जहां बोलते हैं ऑफिसर, ऑफिसर देन ही शैल बी ट्रीटेड एज अ नॉट कंसिडरेड इन सीएफओ इज ट्रीटेड एज द ऑफिसर ऑफ द कंपनी. ऑलराइट, ये डेफिनेशन जब कंपनी लॉ में पहले खूब बार दिखाए हैं, कैंपी से बताते हैं कैंपी डेफिनेशन. ऑलराइट, फॉलो देखते हैं, देखिए रेगुलेशन 24A, एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडियरी, इसके लिए मैंडेटरी होगा आया देखिए इन इंडिया का सेक्रेटरी ऑडिट करवाना, अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट एंड नेक्स्ट इट्स ऑडिटर रिपोर्ट एंड इंश्योर करेगा कौन, गिवन बाय द कम सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. ऑलराइट, तो यहां में ध्यान क्या रखना है 24A के अंदर कि जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है आप उसको, और कौन सी कंपनी लिस्टेड जिनकी मटेरियल, अब आई होप याद होगा आपको मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडी की बात कर रहा हूं, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, उनको सेक्रेटरी ऑडिट करना मैंडेटरी है एंड दे हैव टू टेक द यू नो सर्टिफिकेट टू इंश्योर दैट. यस ऑफ कोर्स, क्या इंश्योर करेगा, अनलिस्टेड जो सब्सिडीज है एंड वो कौन सी जो इनकॉर्पोरेट इंडिया हुई है. इंश्योर क्यों करना है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि यहां पर याद रखिएगा अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी के अंदर क्या लगा हुआ है, पैसा किसका है, वो लिस्टेड एंटिटी का, लिस्टेड एंटिटी पैसा कौन सा है, पब्लिक का, इसको इंश्योर करना है कंप्लायंस के लिए. रेगुलेशन 40 सबसेक्शन 9, शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड और इन हाउस शेयर फैसिलिटी, द प्रोसीजर प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऑल सर्टिफिकेट हैव बीन इशूड इन विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द ट्रांसफर, सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, यूनियन, एक्सचेंज, एंडोर्समेंट और अदर. श्योर ट्रांसफर से रिलेटेड आस्पेक्ट, जबकि अगर जैसे ही अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट इशू कर देगा किस कितने दिन में, जो कि रेगुलेशन कहता है, कम से कम भी क्या कहता है आपको यहाँ पर 30 डेज के अंदर आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दिए हो, तो ये सर्टिफिकेट आपको कम से कम से लेना है कि हाँ चाहे वो डिवीजन कंसोलिडेशन या अलॉटमेंट को लेकर आओ, शेयर ट्रांसफर को लेकर आओ, ठीक है, आपने शेयर को अलॉटमेंट से लेकर यह रिक्वेस्ट जो बता रहा हूँ डिवीजन को लेकर, सब डिवीजन को आस्पेक्ट को लेकर है, आपने सर्टिफिकेट इशू मतलब कंपनी ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया हो, ठीक है, इस बात को इंश्योर कीजिएगा. एंड स्केड्यूल 5E कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ईदर ऑफ द ऑडिटर और द प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी, किसके लिए, कॉर्पोरेट कंप्लायंस के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस, कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि किस तरह देगा डायरेक्टर रिपोर्ट साथ में, पूरा बुक के अंदर अब तक क्या देखेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही खूब चीख चीख के समझाएं आपको. और हाई किसमें, जीएमआरसी का बुक में, आई होप याद होगा. एंड क्या इंश्योर करेगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की, हाँ जी कंपनी के डायरेक्टर जो हैं वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यू नो ग्रेटेस्ट अथॉरिटी और यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. अ सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस दैट नन ऑफ द डायरेक्टर आर द बोर्ड ऑफ द कंपनी हैव डिबार्ड और डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटिंग एंड कंटिन्यू टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. एंड किसको कहेगा, बस सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और ट्रेजरी अथॉरिटीज. नाउ इफ यू कैन से दैट यू नो व्हाट, रेगुलेशन 6, रेगुलेशन 7, सारा नहीं है याद रखिएगा, 24A एंड हाँ ऑफकोर्स 16(1)(D), इसके अलावा 40 सब रेगुलेशन 9 एंड स्केड्यूल 5th ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मेरे बच्चों की गवर्नेंस के अंदर, लेकिन किसी को फिर भी डाउट हो तो याद रखिएगा, पूछ सकता है फिर बता दें, ठीक है. एंड यहाँ पर हम देखते दो क्लॉज थे क्लॉज ई के अंदर, ठीक है. अब ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, 6 कोर आस्पेक्ट्स हैं और मैं आपको बता दूँ लगभग 5 मार्क्स का ये लिए आप क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है. आई होप ये क्लियर होगा, फिर भी याद रखिएगा मैंने सिर्फ यहाँ पे क्विकली बताने की कोशिश करी है ताकि हम सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लें और बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर. और इसके अलावा याद देखिएगा ऐसा नहीं है मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे बच्चों, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी मैं बात को कर रहा हूँ, जो कंटेंट्स देख रहे हैं इसके अलावा याद देखिएगा NRK 9K जो कि कॉपर अपडेट से रिलेटेड याद देखिएगा जो अपडेट्स हम लोग कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहते हैं डिसंबर एग्जाम के बाद, आप ऑफकोर्स उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा. और जो लोग डिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं अभी वैसे ही हैं तो NRK 9 पर अपना रिक्वेस्ट भेजिएगा, वहां से आपको कॉपी अपडेट्स के लिए हम लोग को अपने साथ शामिल कर लेंगे ताकि आपको एक्चुअल कॉपी अपडेट्स मिलते रहे और क्लैरिटी ज्यादा आएगी, ठीक है, ताकि हम इसको ऑल डिटेल में समझेंगे. NRK 9 के व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेरी है वहां भेजिएगा. गुड बाय, थैंक यू.